हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको यहाँ पे अपने फ़ोन में वाइट स्क्रीन का प्रॉब्लम आता है, जी हाँ दोस्तों, आपका फ़ोन यहाँ पे पूरा वाइट स्क्रीन में हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को अपने फ़ोन में ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम आता है, बट अगर आपको यहाँ पे अपने फ़ोन में वाइट स्क्रीन का प्रॉब्लम आता है तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है ना, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लेना है। तो ऐसा करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। या तो फिर दोस्तों, आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोन पर एयरप्लेन मोड होता है, जो आपका फ़्लाइट मोड होता है ना, आपको उसको ऑन करना है और उसको बंद कर देना है। तो ऐसा करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। बट आपको एक और तरीका बताता हूँ, इससे तो आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। आपको अपने फ़ोन के जो पावर बटन रहता है, आपको उसको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे रिबूट का ऑप्शन आएगा, तो आप लोगों यहाँ पे रिबूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे रिबूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका फ़ोन यहाँ पे पूरा रिबूट हो जाएगा और अपने आप जो है आपका फ़ोन यहाँ पे बंद होके दोबारा से ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको वाइट स्क्रीन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, और दोस्तों कभी कभी क्या होता है, अगर आपका फ़ोन अगर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो कई सारे प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपका फ़ोन अगर बहुत ज़्यादा पुराना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करनी है। अगर आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे डेफिनेटली उसको सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना है, ताकि आपके फ़ोन में नया वर्जन का जो भी फंक्शन है वो यहाँ पर आ जाए। तो ऐसा करने के बाद यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।